الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مقبلة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والقدر حساب ولا عمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج 2021 کا پہلا دن 2020 چھوڑ دیجیے امام صاحب، نہیں جیسا چل رہا ہے چل دیجیے. 2020 کل مکمل ہوا اور ہم اور آپ 2021 میں داخل ہوئے. سال کا بدلنا، نئے سال کا آنا اور پرانے سال کا ختم ہونا، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہے اسی وقت سے سال آتا ہے جاتا ہے. ایک سال پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے. سال کے ختم ہونے پر یا نئے سال کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال یوں ہی چلا گیا، ہم نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا، اپنی نیکی میں، عبادت میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، یا حلال طریقے سے مال کمانے میں، ہم نے اور آپ نے کس چیز کے اندر ترقی کی، ہم اور آپ کس میدان میں آگے بڑھے. اگر انسان سوچے اپنی زندگی کے بارے میں تو اس کے سامنے یہ حقیقت ظاہر ہوگی کہ سال کا پورا ہونا ہماری اور آپ کی زندگی میں سے گویا کہ ایک سال کا ختم ہو جانا، زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، ہم اور آپ موت کے قریب پہنچ رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر، جس کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کو، اسی مضمون کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے بیان کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیچھے جا رہی، زندگی ختم ہو رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، آخرت قیامت موت سامنے آ رہی ہے. 2020 میں جب شروع ہوا تھا 2020، تو کم سے کم
एक साल ज्यादा हम और आप मौत से दूर थे। 2020 खत्म हुआ, इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया, हम और आप मौत के करीब आ गए। वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिला, आखिरत सामने आ रही है। फिर फरमाया वली कुल्ली वाहिदिन मिनहुमा बनून, इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात दिन दुनिया के चक्कर में रहते हैं, रात दिन दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं। उनको खाना है, कमाना है, मजा लेना है और अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म कर देना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जिंदगी गुजारने का सलीका पाया जाता है, वो इस दुनिया में इस तौर पर जिंदगी गुजारते हैं कि कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक न एक दिन मौत आएगी, हम सबको मरकर अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। और वहां जाने के बाद एक रिवायत में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सामने जब बंदों को पेश किया जाएगा, एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा यहां तक के उसको अपनी लाइफ, अपने जीवन और अपनी जिंदगी के बारे में जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपने लाइफ को किस काम में खर्च किया था। अपनी जवानी को अल्लाह ने ये ताकत दी, ये जवानी दी, और अल्लाह ताला ने चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए बदन के अंदर शक्ति दी, ताकत दी, तुमने अपनी जवानी को किस काम में खर्च किया था। जब तक बंदा इन सवालात का जवाब नहीं दे देगा, तब तक वो अल्लाह के सामने से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी गुजारते हैं आखिरत के लिए, और इस सोच के साथ, इस फिक्र के साथ कि हमको हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहना है, बल्कि एक न एक दिन मरकर अल्लाह के पास जाना पड़ेगा और वहां जाकर हमें अपनी जिंदगी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से खिताब करके फरमाया, और उसी मजमून को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जबान से यूं बयान किया, कूनू मिन अबनाइल आखिरा, ऐ मुसलमानों, बल्कि ऐ इंसानों, ऐ लोगों, तुम सब के सब आखिरत वाले बन जाओ, आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाओ, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, और अल्लाह के सामने हिसाब देने से पहले तुम अपना हिसाब कर लो। तुम ये सोच लो कि हमको अल्लाह के पास जाकर हिसाब देना पड़ेगा, हमारा हिसाब पहले यहां क्लियर हो जाना चाहिए, हम अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें कि अल्लाह के सामने हिसाब देने के वक्त हमको कोई परेशानी लाहिक ना हो। जैसे कंपनी का मालिक जब अपने जनरल मैनेजर से हिसाब लेता है, एयर एंडिंग के मौके पर जब पूरे साल का हिसाब पेश करना होता है, तो मालिक के सामने जाने से पहले जो अकाउंटेंट होता है या जो मैनेजर होता है, वो अपना सारा लेन देन का मामला क्लियर करता है और उसके बाद मालिक के सामने हिसाब पेश करता है। इसी तरह से हम इंसानों को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासिबू कबल अन तुहासबू, तुम अपना हिसाब कर लो, तुम अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लो, कबल इससे कि अल्लाह के सामने तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइल दुनिया, और रात दिन दुनिया के चक्कर में मत पड़ा रहो। ऐसा नहीं कि सुबह सोकर उठे को नमाज से कोई मतलब नहीं, तिलावत से कोई मतलब नहीं, और सीधा बस फिक्र ये करनी है कि आज हमारी दुकान हम कैसे खोलेंगे, हमारी दुकान के अंदर क्या सेल होगा नहीं होगा, ठीक है उसकी फिक्र करनी है, लेकिन अल्लाह की इबादत पहले कर लो।
कुरान की तिलावत पहले कर लो, नेकी का कुछ काम पहले कर लो, और उसके बाद ये दुनिया है, कारोबार तो करना ही है, बिजनेस, चाकरी, नौकरी या जो भी काम है, हलाल तरीके से रोजी हासिल करने के लिए वो काम तो करना ही है। वला तकूनू मिन अबना दुनिया, अल्लाह के प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमून को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बयान करते हैं, वइन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, ऐ मुसलमानों आज तुम्हारे पास अमल करने का टाइम है, आज नमाज पढ़ने का टाइम है, आज कुरान तिलावत करने का तुमको मौका मिला हुआ है, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने का, अल्लाह के रास्ते में दावत और तबलीग के काम को अंजाम देने का तुमको मौका मिला हुआ है, तुम ये काम कर लो, आज अल्लाह तुम्हारा हिसाब नहीं लेगा, कोई फरिश्ता तुम्हारा हिसाब नहीं लेगा, आज तो यानी ये जिंदगी अमल की जिंदगी है, तुम अमल करते रहो करते रहो करते रहो, और कल यानी मौत के बाद जब अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो कल हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा, और उस वक्त अगर ये सोचोगे ऐ अल्लाह दो मिनट का टाइम मुझको दे दीजिए मैं दो रकात नफल पढ़ लूंगा, ऐ अल्लाह पांच मिनट मुझको टाइम दे दीजिए, जिंदगी में जोहर की नमाज कजा हो गई थी मैं उसको अदा कर लूंगा, तो मरने के बाद सिर्फ हिसाब देना है, वहां अमल के लिए कोई चांस और मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए इंसानों को नए साल के आने पर, पुराने साल के खत्म होने पर अपनी जिंदगी का एक जायजा लेना चाहिए कि माजी में 2020 हमने और आपने कैसे गुजारा। सबको अच्छी तरह से मालूम है पिछले साल यानी 2020 शुरू होने से पहले 2019 में काका आंदोलन शुरू हुआ, नवंबर के महीने में गालिबन काका आंदोलन शुरू हुआ, और उस वक्त भी कारोबार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, हालात बिगड़ चुके थे और लोग परेशान थे, कहीं आंदोलन हो रहा था, कहीं जुलूस निकाला जा रहा था, नारेबाजी हो रही थी, ट्रेन को रोका जा रहा था, कारोबार की लाइन बिल्कुल ठप होती जा रही थी, लोग परेशान थे, हर जगह दुआएं हो रही थी, तौबा इस्तिगफार की मजलिस हो रही थी। काका आंदोलन खत्म नहीं हुआ था कि कोविड-19 सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ, सबको मालूम है, और जनवरी आते आते यानी 2020 जब शुरू हुआ तो ये बीमारी और ये महामारी और ये वबा पूरी दुनिया में फैल गया, यहां तक के हमारे और आपके इस मुल्क में भी आ गया, जनवरी में आ गया था, लेकिन किसी तरह से खींच तान कर चलता रहा। बिल आखिर मार्च का महीना जब आया तो उसके बाद सबसे पहले जनता कर्फ्यू, फिर उसके बाद गालिबन 24 मार्च को लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। हमने और आपने यकीनन ये सोचा था कि शायद 2-4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने का ये मामला होगा, फिर हालात अच्छे हो जाएंगे, और कभी हमने और आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हालात बिगड़ जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएगी, और आज 2020 खत्म करके हम और आप 2021 में दाखिल हो गए, लेकिन ये जो कोरोना वबा और ये जो कोविड-19 का जो सिलसिला था आज भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो सका। तो 2020 का ये पूरा साल अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरह से गुजरा। जो हजरात उम्र दराज है, जिनकी उम्रें 60 साल 70 साल 80 साल हो चुकी है, उनको मालूम है, वो ज्यादा बताएंगे कि आज तक उन्होंने कभी ऐसा दिन ना तो देखा था और ना ऐसे दिन के बारे में सोचा था। मस्जिद में एक तरह से ताले लग गए, कहीं पर इमाम साहब और मुअज्जिन साहब और कहीं पर वो भी नहीं, मस्जिद वीरान पड़ गई। हमारे और आपके लिए मस्जिद में आकर 2-4 रकात नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया, चाहने के बावजूद, शौक के बावजूद हम और आप मस्जिद नहीं आ सकते थे। रमजान का महीना इतना सोना सोना गुजर गया, लगता ही नहीं था कि हम और आप रमजान के महीने से गुजर रहे हैं।
रमजान का महीना एक नूरानी माहौल होता है, मस्जिद के अंदर हर वक्त लोग तिलावत में मशगूल रहते हैं, एतिकाफ करने वालों की एक जमात होती है और इसी तरह से जिक्र करने वाले, बारे तस्बीह वगैरह करने वाले, हर तरह के लोग इबादत में मशगूल होते हैं, एक नूरानी माहौल होता है। तो 2020 का रमजान भी इस तरह से गुजर गया। तो अगर हम और आप सोचें, जर्रा बराबर भी ये सोचें कि आज रात में हमने खुशी मनाया या आज हम खुशी मना रहे हैं, ये किस बात की खुशी है? क्या इस बात की खुशी है कि अल्लाह 2020 जैसा गुजरा, नौज़बिल्ला 2021 भी हमारा ऐसा ही गुजारना? क्या इस बात की खुशी है ऐ अल्लाह 2020 हमने बहुत आन बान शान के साथ गुजारा और बेहतरीन कारोबार हुआ, खूब माल कमाया, खूब नमाजें पढ़ी, खूब सदका खैरात किया, खूब तिलावत किया, ऐ अल्लाह इसी तरह से 2021 को भी कर देना? 2020 तो हमारे और आपके लिए आमुल हुज्न यानी अफसोस का, फिक्र का साल रहा, चिंता का साल रहा। किसी भी मैदान में हमने और आपने अच्छा काम नहीं कर पाया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जगह जगह बल्कि हर जगह पर लॉकडाउन का सिलसिला, बीमारी का डर और अपने कारोबार को बिल्कुल एक तरह से हमने और आपने जिस वजह से भी वो चौपट कर दिया, चौपट हो गया। लिहाजा हमको और आपको 2020 के जाने पर अफसोस करना चाहिए, अफसोस इस बात पर करना चाहिए कि हमने एक साल यूं ही गुजार दिया, यूं ही हमारा एक साल गुजर गया। ऐ अल्लाह हम आपके सामने दुआ करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तौबा करते हैं और आपसे ये दरखास्त करते हैं कि 2021 को ऐ अल्लाह अच्छा बना दीजिए, ऐ अल्लाह 2021 को बीमारी से पाक करके और हमारे और आपके लिए सुकून का, आफियत का, सेहत का, तंदुरुस्ती का साल बना दीजिए। हम अल्लाह के दरबार में रोएं, गिड़गिड़ाए। मेरे भाइयों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा और आपका हाल ये हो गया है कि हम दूसरों को जो करते हुए देखते हैं, बस ये एक नया काम है, हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, ये एक नया फैशन है, हमको भी करना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं, किसी भी काम को करने से पहले हमको और आपको ये देखना पड़ेगा कि इस काम के बारे में हमारे अल्लाह ने क्या कहा, इस काम के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुरान और हदीस इस सिलसिले में क्या कहती है। हमारा और आपका हाल ये हो गया है, हमारे एक बहुत बड़े मौलाना हुजाई में भी तशरीफ लाए, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने एक मरतबा फरमाया कि मुसलमानों को खास तौर पे नए फैशन को इख्तियार करने से इतनी दोस्ती हो गई, ये भी नहीं देखता कि ये फैशन है या ये हमारे लिए मुसीबत का सामान और मुसीबत की चीज है। हजरत ने एक वाकया छोटा सा सुनाया कि लखनऊ में रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेला पर एक आदमी चाय बेच रहा था, एक साइड में चाय भी थी, कॉफी भी थी और एक साइड में आइस भी रखा हुआ था, उसमें पेप्सी वगैरह वगैरह वो कार्टून में रखकर और उसको बेच रहा था। एक अंग्रेज आया और उसने आकर कहा कि मुझको एक कप कॉफी दे दो, कॉफी दे दो। अब उसने जब कॉफी उसके लिए तैयार किया तो वहीं पर आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ था, गलती से एक टुकड़ा आइस का उस कॉफी में गिर गया, चला गया। अंग्रेज था, उधर देख रहा था, दुकानदार ने समझा कि इसने देखा नहीं, चलो हमारा पैसा क्यों बर्बाद होगा, उसने उठा के उसको दे दिया। बेचारा अंग्रेज दूसरे मुल्क में जैसा मिला उसने पी लिया। वहीं करीब में एक मुसलमान लड़का था, नौजवान, उसके बाद वो आया और उसने आकर कहा कि भाई मुझको भी एक कप कॉफी बना कर दो। बना कर दिया, गरम गरम कॉफी बढ़िया से बनाया और उसको पेश किया। जब उस जवान को दुकानदार ने कॉफी दिया तो उसने कहा कि ये अंग्रेज, ये तुम्हारा बाप है क्या, ये तुमको कॉफी के बदले में डॉलर देगा, इसलिए तुमने उसको अच्छा कॉफी बना के दिया और मैं तुमको फ्री में तुम्हारा कॉफी पी रहा हूं, पैसा नहीं दूंगा, इसलिए तुमने मेरा कॉफी उतना अच्छा नहीं बनाया। कि भाई मैंने तो बिल्कुल सेम कॉफी बनाया और अच्छा कॉफी बना कर दिया। कारे तुमने उसको कॉफी दिया तो उसके अंदर आइस का एक टुकड़ा भी डाल के दिया
और मेरे कॉफी में तुमने आइस का टुकड़ा नहीं डाला। तो उस दुकानदार ने सर पे हाथ मारा और कहा, अफसोस, अरे भाई वो गलती से उसमें आइस का एक टुकड़ा चला गया था। और आदमी जब चाय पीता है या कॉफी पीता है तो गर्म पीता है, उसमें गलती से आइस का एक टुकड़ा चला गया था। मैं सोचा ये क्यों बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको दे दिया। अब क्या वो गलती मैं तुम्हारे साथ भी करूं और तुम्हारी कॉफी में भी वो आइस डाल दूं? उस नौजवान ने कहा कि असल में मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये तो अंग्रेज है, शायद ये कोई नया फैशन चला है कि जब चाय पियो या कॉफी पियो तो उसमें आइस डालकर पियो, शायद ये कोई नया फैशन चला है, उसी फैशन पर हम भी अमल करने के लिए आपसे हमने दरखास्त किया कि हमारी कॉफी में भी आइस का एक टुकड़ा डाल दो। ये हम मुसलमानों का हाल है, दूसरों को जो करते हुए देखते हैं, साल पूरा हुआ, गाना बजाना, पूरी रात डांस करना, शराब पीना, और ना जाने आज की रात में दुनिया के कितने मुसलमानों ने गुनाहों का वो काम किया होगा जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते। ये क्या है? दूसरों से मुतासिर होना, दूसरों को जो करते हुए देखते हैं वही काम हमारे लिए और आपके लिए करना सही है या नहीं। हम और आप मुसलमान हैं, कुरान और हदीस पर चलना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ये जो 2021 शुरू हुआ है, अल्लाह ताला इसको बरकत वाला साल बनाए, अल्लाह ताला पूरी दुनिया से बीमारी को खत्म करे। खास तौर पे मेरे भाइयों, कारोबार तिजारत की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है, हिंदुस्तान का हाल फिरका परस्तों ने दिन ब दिन खराब करना शुरू कर दिया है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि खास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर अमन सुकून शांति का माहौल हो, बीमारी से अल्लाह ताला नजात अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।